के बाद जो है पटना का जो है इस साइड का हम अपडेट आपको कर रहे हैं। जो है ब्लॉग हमारा जो है कंटिन्यूअसली आएगा, सारे की सारी चीजें रखी हुई है और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये क्रेन का जो साइज है काफी बड़ा है। इधर का जो है रड को जो है बांध के तैयार कर दिया गया है, एक साथ हमें लगता है कि 8-10 पिलर तो जरूर जो है पटना मेट्रो का ढला कर रेडी होने की उम्मीद है। तो 0 माइल के पास ये है और 0 माइल के पास यहाँ पे देखिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। और हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं पटना के जो है पटना मेट्रो के अपडेट लेने के लिए। और देखिए हमारे पीछे पटना मेट्रो का जो बोर्ड लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग को जो है इसके अंदर का तो वीडियो बनाने के अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है यहाँ पर हम वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम लोग झांकने की कोशिश करते हैं और काफ़ी दिनों के बाद जो है पटना का जो है इस साइड का हम अपडेट आपको कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी। पर आप जो है ब्लॉग हमारा जो है कंटिन्यूअसली आएगा, फिर से आप जो है रेगुलर हो गए हैं और इस तरह से आपका ब्लॉगिंग चालू हो गया है। तो आप चलिए इसके अंदर का हम लोग आपको दिखाते हैं कि क्या अप टू डेट हुआ है इसके अंदर और कहां तक इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अंदर जो है इस तरह कंस्ट्रक्शन होने की जो है सारे की सारी चीज़ें रखी हुई है और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये साइड में ये बना हुआ है। तो आपके अंदर का जो है व्यू आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको क्रेन वगैरह है, ये अप टू डेट इसका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। एक पिलर, दूसरा पिलर और वहाँ पे सामने जो क्रेन है उसको भी देख पा रहे होंगे और उसी के बगल में जो हमारा पटना मेट्रो है उसका पहला पिलर जो है वो बनके रेडी हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए कि उसका पहला पिलर को ढलैया कर दी गई है और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे बाहर से ही। और ये क्रेन का जो साइज है काफ़ी बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से आप देख रहे होंगे पटना मेट्रो के जो पिलर है वो लगातार यहाँ पर जो है इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है और पिलर का जो है रड को जो है बांध के तैयार कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और इस तरह से ये पिलर सबको बांधा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए उसके आगे बढ़ते हैं तो कई पिलरों को जो है लगातार काम चल रही है। अब मतलब कि लग रहा है कि भाई इस बार जो ढलाने वाला पिलर है वो कई पिलर इस बार जो है ढला कर रेडी हो जाएगा एक साथ। हमें लगता है कि 8-10 पिलर तो जरूर जो है पटना मेट्रो का ढला कर रेडी होने की उम्मीद है दोस्तों। 0 माइल के पास ये है और 0 माइल के पास यहाँ पे देखिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है, तो सारी मशीनें यहाँ पे भी देखिए लग रही है। और यहाँ पे पहले के अपेक्षा जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काम ये थोड़ा तेज़ी नज़र आ रहा है। पहले थोड़ा कम स्लो चल रहा था बट अब जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे भी काम शुरू हो गया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ से वहाँ तक का पिलर भी का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में आपके लिए ब्लॉग बनाने आए हैं, ब्लॉग बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम इस तरह से आपको पटना मेट्रो का अपडेट किए हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिए, कमेंट्स में जरूर करिए कि आपको किस जगह का वीडियो देखना पसंद है दोस्तों या फिर किस जगह का ब्लॉग आपके लिए हम बना के लाए। तो कमेंट्स भी जरूर से जरूर कीजिए क्योंकि अब आपका भाई जो है हमेशा अप टू डेट रहेगा आपके साथ। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।